बजट आप लोगों को भेज दिया, वो रिव्यू कर रहे हैं बजट, हमने उसका मैक्रो उनसे शेयर। अच्छा सर, फिर इस बजट में कोई आवाम के लिए कंसेशन तो नहीं होगी? क्योंकि आईएमएफ तो चाहती नहीं कंसेशन ना, वो चाहती नहीं सियासी बजट है तो नहीं। ये इसमें आवाम पे बोझ कोई नहीं होगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कुव्वत है, पाकिस्तान एक, आपका दुश्मन तो ये चाहेगा कि आप एक अफरा तफरी हो। आप देखें कि पिछले 2-3 महीने से पहले डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, अब हर रोज कोई ना कोई कह रहा। पहले तो वीट और फर्टिलाइजर स्मगल होता था, अब हमारा डॉलर भी स्मगल होता है जी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, नेबरिंग कंट्रीज में इकोनॉमी जो है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, बिजली का बटन नहीं है। नए बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपये मुख्तस मेजानी का माइक्रो IMF के साथ शेयर कर दिया। आवाम पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। हर रोज डिफॉल्ट की बातें की जाती हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी हालात पर नज़र रखे हुए हैं। दुश्मन तो यही चाहता है कि अफरा तफरी फैले। 300 रुपये से ऊपर डॉलर रेट मसनू, IMF से माहिदा ना होने के बायस अदम इस्तेहकाम आया। मईशत बटन दबा कर ठीक नहीं होगी, बेहतरी में थोड़ा वक्त लगेगा। इसहाक डार के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। अगर ये कौम से माफ़ी मांगे और ये अपने इसको ओन करें और उसके एश्योर करें कि आइंदा ये कभी ये इनकी पार्टी नहीं करेगी, तो फिर आपने शर्ती वो रखी है इमरान खान ने कभी करनी नहीं, तो चलो फिर तो ना होने वाली गल्ला। अगर मान लिया उन्होंने तो माफ़ी है फिर नहीं, अगर माफ़ी मांग ली इमरान खान साहब, फिर मियाँ साहब मनाना पड़ेगा। प्लानिंग थी कि अगर उनको अरेस्ट किया जाए, अगर तो ये करना है, तो दैट मीन्स के प्लान तो बन चुका था। फिर आपने देखा कि उनके एक सीनियर जो की उनके जो हैं PTI का मिनिस्टर भी हुए हैं, वो उन्होंने बकायदा, उनका अवेलेबल है वॉइस नोट्स इसमें मीडिया में, कि जी आपको पता है आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है। PTA चेयरमैन कौम से माफ़ी मांगे, जुर्म का एतराफ़ भी करें, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। नवाज शरीफ को भी बनाना पड़ेगा। 9 मई को जलाओ घिराओ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। PTI कारकुनों ने अपने लीडर की हिदायत पर अमल किया। PTI तोड़ने का तासुर बेबुनियाद, ये पार्टी मकाफात अमल का शिकार है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की नून लीग में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसहाक डार। डीजल में जो दोबारा या मजीद जो कमी की जा रही है आज से, वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मजीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। रात 12 बजे के बाद इसका ये कीमतें लागू होंगी और ये 15 जून की मिडनाइट तक, रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ, पेट्रोल फी लीटर 8 रुपये सस्ता, नई कीमत 262 रुपये मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 5 रुपये कम हो गए, 253 रुपये लीटर मिलेगा। लाइट डीजल के रेट 5 रुपये कम कर दिए गए। मिट्टी के तेल की कीमत में बरकरार, वजीर खजाना के ऐलान के बाद इतलाक हो गया। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, मुख्तलिफ रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकातें। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली मुतअद्दिद शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल। आने वाले अपनी मर्जी से आ रहे हैं, इनफरादी फैसले नहीं करते, इत्तेहादियों से मिलकर चलते हैं, हमेशा मुज़ाकरात पर जोर दिया। पूरी दुनिया 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रही है, किसी को माइनस करने का फैसला हमने नहीं करना, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यूसुफ रजा किलानी। जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फैसले करती है और इंडिविजुअली नहीं करते, और फिर हमारे जो कोलिशन गवर्नमेंट है हम उसका भी हिस्सा है, और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके जो भी लायामल होगा वो मुत्तफिका। 9 मई को जो वाकया हुआ है उसका पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, पूरा मुल्क कंडेम कर रहा है। फौजी अमलाक पर हमला होगा, हम तसव्वुर करेंगे वो मुल्क पे हमला हुआ है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसके मुताबिक फैसला होगा। ये मुमकिन नहीं है कि PDM में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है
पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सियासत में मुतहरिक फवाद चौधरी और डीकर ढनमाओं की जेल में शामिल मुल्क कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार, पीडीएम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते, बहरान के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगु। कुछ लोगों की जिद और अना पाकिस्तान से भी बड़ी हो गई, जज्बात और जाती अनाद में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान ना काबिल तस्वीर, दिफा की जमानत, मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे को नुकसान पहुँचाना वतन को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। काफलीग ने मौजूदा मुल्की हालात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दे दी। जहांगीर तरीन का जहाज़ फिर महवे परवाज, मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नई पार्टी की बाजगश्त, मशावरत तेज़, ग्रुप का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान, पीटीए के 60 से ज्यादा अरकान असम्बली और रहनुमाओं के रबते, फिर दो साशक अवान की भी मुलाकात। बजट से पहले बड़ा चैलेंज, आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम तकमील के बगैर ही खत्म होने का इम्कान, नवे इक्तिसादी जायजे के बाद मॉनिटरी फंड से डील खत्म हो जाएगी, जायजा हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत, वजारत खजाना हुकम की बजट तजावीज़ पर आलमी इदारे से बातचीत। पाकिस्तान और बेलारूस का मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग पर इतफाक, बेलारूस के वजीर खारजा की लाहौर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, सरगई एलन का खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, बहमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल, जनरल सर पैट्रिक निकोलस की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। दुनिया की ये बदनवानी की तारीख में, करप्शन की तारीख में एक बहुत बड़ा यानी ग्रैंड करप्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी इस तरह की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। इस तरह के जो हमारे सामने जो चीज़ें आइंदा जो भी आएंगी या जो अब आ चुकी हैं, तो हमें उनको बिल्कुल लॉ को इक्वली अप्लाई करना है, तमाम लोग बराबर हैं, किसी को इस्तस्ना हासिल नहीं है। अलकादर ट्रस्ट का मामला ग्रैंड करप्शन केस है, लूटमार की दूसरी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, सब हकायक से आगाह हैं, बरतानिया से रकम आई लेकिन कौमी खजाने में जमा नहीं हुई, कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी, एहतसाब का हथियार जुल्म व जबर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वज़ीर आज़म के मामले में खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑडियो लीक्स तहकीकती कमीशन केस में अहम पेशरफ्त, हुकूमत के बाद खुद कमीशन का भी लार्जर बेंच पर एतराज़, चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं, तहकीक तलब मामले के फरीकैन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, ना ही एतराज़ उठाया, इंक्वायरी की जिम्मेदारी कानून के तहत तफवीज़ की गई, फर्ज भी कानून के मुताबिक ही अदा करेंगे, फरीकैन के एतराज़ सुनने के बाद उन पर गौर भी किया जाएगा, जवाब में मौकिफ़। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, हुकूमती पटिशन में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, कुछ नई दरख्वास्तें भी दायर हुई जिनको सुना जाएगा, आपकी इस्तदा रजिस्टर करने की हिदायत कर रहे हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदगाल का अटॉर्नी जनरल से मकालमा, मजीद समाअत हफ्ते को होगी।
सरदार तनवीर इलियास का लाहौर में जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की शदीद मज़म्मत, तमाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। एम के एम का कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी पर एतराज़ात दूर करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एहसन इकबाल को खत लिख दिया, दानिस्ता बेज़ाब्तियों के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद, आदाद शुमार दुरुस्त ना हुए तो नतायज नहीं मानेंगे, चिट्ठी का मतन। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ, बिजली के नरखों में 1.60 रुपये फी यूनिट का इजाफा, नैप्रो ने एप्पल के महाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के मद में वसूली की इजाज़त दे दी, सार्फिन की जेबों से 15 अरब 60 करोड़ रुपये निकलवाए जाएंगे। नए बजट में वज़ारत तवानाई को 1,000 अरब रुपये से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी, हुकाम ने साफ साफ बता दिया, अगले मिज़ानिये में 980 रुपये मुख्तस किए जाएंगे। IPPs को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपये मिलेंगे, के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में विफाक 7 अरब रुपये फराहम करेगा। लाहौर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बारिश, फैसलाबाद, दोधरा, बूरेवाला, आरिफवाला, कुंदिया और दीगर मकामात पर जलथल, फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान।